हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमें कैसे एक फाइल को सेव करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो विंडो का बटन है इस पे क्लिक करेंगे। फिर आपको नोटपैड टाइप करना होगा। ये देखिए, ये जो नोटपैड का है इस पे आपको फिर क्लिक करना होगा। ये आपके सामने नोटपैड खुल गया है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं। सूरज, माय नेम इज सूरज भारती। अब हम इसको सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं इसे सेव करने का। पहला तरीका तो सिंपल है, जो है वो Ctrl+S। कीबोर्ड में बटन होगा Ctrl+S, तो पहले वो Ctrl और फिर S दोनों को दबाना है। तो ये दबाने के बाद देखिए क्या होता है। Ctrl+S दबाया तो सामने ये डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें पूछेगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं और किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसे डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कोई नोटपैड का फाइल नहीं है, तो हमने सेलेक्ट किया है डेस्कटॉप पे। और यहाँ पर आपको नाम देना है, तो हम नाम देना चाहते हैं सूरज। मैं अपना नाम दे देता हूँ। फिर सेव पे क्लिक कर देंगे तो सेव हो जाएगा। और इसका एक और ऑप्शन है कि या तो फाइल पे जाइए या यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो भी आपसे ये वही पूछेगा कि आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं और किस नाम से। तो हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे और यहाँ डाल देंगे सूरज, और इस बार हम इसे सेव करेंगे। तो देखिए ये फाइल यहाँ पर आ गया। अब हम इसे कट करके फिर से ओपन करेंगे कि क्या हमने जो लिखा है वो लिखा हुआ आया है। तो ये देखिए फोल्डर फाइल है, क्लिक किए और देखिए सेम लिखा हुआ आया। तो दोस्तों ऐसे ही हम नोटपैड के फाइल को क्रिएट करते हैं और सेव करते हैं।